गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये एल्प्स गुडनेस की। ये है स्ट्रॉबेरी और ये है नरसिंह मैनीक्योर पेडिक्योर का किट। और फ्रेंड्स, ये सचमुच बहुत अच्छा वर्क करता है। जैसे आप हैंड्स देख रहे हो मेरे, बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं और बहुत अच्छे से मैंने, देखिए, नेल पेंट अभी नहीं लगाया है क्योंकि मैंने अभी मैनीक्योर किया है, पेडिक्योर किया है, दोनों ही किए हैं, एक साथ में किए हैं। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा मुझे हो गया है इसको करते हुए और काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं वैसे करती रहती थी लेकिन इसके साथ मैंने पहली बार किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा पसंद आए शेयर कर सकते हो फैमिली मेरे साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए पहले देख लीजिए इसका रिव्यू एंड डेमो, फिर बताती हूँ आपको कैसा है ये। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ एल्प्स गुडनेस का ये स्ट्रॉबेरी नरसिंह मैनीक्योर पेडिक्योर किट। और फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी किट है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ तब आप लोगों को इसके बारे में बता रही हूँ और किस तरह से मैंने किया है वो सब मैं आपको डिटेल डेमो में दूंगी। तो मैं आपको बता दूँ, ये स्ट्रॉबेरी हेल्प्स टू इन स्किन ब्राइटनिंग और मिंट है इसमें, मिंट एक्सट्रैक्ट है और लेवेंडर ऑयल है इसमें। सूद कर देता है स्किन, आपकी स्किन को एकदम सूदिंग बना देता है, बिल्कुल नरिश्ड कर देता है एकदम स्किन। आप देख सकते हो मेरे हैंड बहुत ज़्यादा क्लीन दिख रहे होंगे और काफ़ी अच्छा है ये। और फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया है तो मैं इसको यूज़ करने की सोच रही थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में ये आता है और जैसे कि आपको बता दूं कि ये ओपन, डेफिनेटली आप इसको यूज़ कर सकते हो किसी तरह से। जो इसमें सब है इंस्ट्रक्शन, इसमें सब दिया हुआ है और ये देख सकते हो 5 के 5 ये मैंने यूज़ कर लिए हैं। मैनीक्योर भी किया है मैंने, पेडिक्योर भी किया है, तो आपके साथ जो शेयर किया है डेमो आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसको किस तरह से यूज़ करना है वो आपको इसमें सब मेंशन है और किस किस तरह से करना है वो भी इसमें मेंशन है। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको 36 मंथ के लिए है। अगर आप 2-3 साल इजीली आपकी चल जाएगा, 155 का ये दिया हुआ है, बट इतने का नहीं है। एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट बहुत कम रेट में मिल जाते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो। और सच बताऊं तो स्किन बहुत अच्छे से नरिश्ड हो जाती है, आपके हैंड और लेग जो फिट होते हैं बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाते हैं। और आपको बता दूँ बहुत ही अच्छे से ये काम करता है। और स्ट्रॉबेरी में तो ये मैंने लिया था बट मुझे ये नहीं पता और कौन कौन से उसमें आता है ये वेरिएशन में, तो आपको मैं इसी का ही रिव्यू दूंगी। और मैंने देखा भी नहीं और भी कुछ आता है या नहीं, तो मैंने नेल पेंट अभी नहीं लगाया है जैसे कि आप देख सकते हो। और साथ के साथ ही मैंने मैनीक्योर पेडिक्योर किया है क्योंकि इससे टाइम की बचत हो जाती है और इजीली हो भी जाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। बट हाँ, मुझे वीडियो भी शूट करना था तो मुझे 1-1.5 घंटा इजीली लग गया था। तो आपको ये पसंद आए तो आप इसको ले सकते हो और रिव्यू आप देख लीजिए और हाँ, डेमो भी आप देख लीजिए इसके बाद सब कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट पेडिक्योर करना। तो आप देख सकते हो ये पाँचों के पाँचों, आप देख लीजिए इस तरह के पाउचेस हैं और बस ये पानी में सोक कर रही हूँ मैं। ये देख सकते हो टब में मैंने पानी ले लिया है और 10 मिनट्स के लिए अपने पैरों को इसमें डाल लूँगी और देख सकते हो। अब 10 मिनट्स बाद निकालने के बाद फिर मैं अच्छे से पैड ड्राई कर लूँगी, मतलब अच्छे से। और फिर सेकंड, ये आप क्यूटिकल पर आप लगा सकते हो, ये वाला क्यूटिकल वाला है ये क्रीम, तो आप इसको लगाइए, हैंड में भी लगा सकते हो, पैर में भी लगा सकते हो, दोनों इस तरह से क्यूटिकल पर मैं इस लगा रही हूँ। और मैं ना पीछे की साइड में नहीं कर रही थी, पुश करना था ना, जो क्यूटिकल लगाने के बाद पुश करते हैं ना, वो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हार्म नहीं करना था अपने नेल्स को इस वजह से। तो बस इस तरह से मसाज कर लूँगी और मैं इसको साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर रही हूँ जैसे कि आप देख ही सकते हो। और काफ़ी अच्छे से मुझे ये, आपको लाइटिंग की थोड़ा इशू हो रहा होगा देख सकते हो। अब मैं कर रही हूँ स्क्रब, तो देख लीजिए स्क्रब मैं अच्छे से लगा रही हूँ, बिल्कुल फुल अच्छे से लगा लेना है, जितना भी है सब अच्छे से लगा लीजिए, हैंड में भी लगा लीजिए अगर हैंड पर भी कर रहे हो, नहीं तो आप नेक्स्ट डे पर भी कर सकते हो। मैंने दोनों साथ में किए थे इसलिए मैं हैंड पर भी लगा रही हूँ और लेग पर भी लगा रही हूँ। तो देख सकते हो आप बहुत अच्छे से मसाज कर रही हूँ, 5 मिनट तक मैं अच्छे से इस तरह से स्क्रब कर रही हूँ अपने लेग्स पर, हैंड्स पर भी कर रही करूँगी मैं, वो मैं मतलब ऑफ कैमरा कर रही थी तो इस वजह से वो मैंने शूट नहीं किया।
तो आप देख सकते हो लेग में ही दिखा रही हूँ मैं। और बस इसको भी आप वॉश कर लीजिए या फिर आप क्लीन भी कर सकते हो, जो टिश्यू पेपर आते हैं ना, बेड टिश्यू आते हैं, उनसे आप क्लीन कर सकते हो। तो आप देख लीजिए बिल्कुल अच्छे से स्क्रब, और जब अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए तो पानी भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख लीजिए मैंने इसको वॉश कर दिया है लेग्स को, और हैंड पे भी देख सकते हो, हैंड पर भी मैं कर चुकी हूँ, तो दोनों ही धो रही हूँ। तो आप देख लीजिए कि मैं कितना अच्छे से क्लीन हो रहा है। और थोड़ा कैमरा इशू था इसलिए थोड़ा लाइटिंग के आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट सॉरी उसके लिए, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता है ना दोनों चीज़ों को एक साथ, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था और इस तरह से आपके साथ शेयर भी करना है और दोनों काम भी करने हैं इसलिए। तो बस इसको इस तरह से क्लीन कर लूँगी और फिर मैं अच्छे से पैड ड्राई कर लूँगी, मतलब बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है। किसी भी टॉवल से पोंछ लीजिए आप, मैंने भी ऐसे ही बेड टॉवल से या ऐसे ही सूखे टॉवल से पोंछ सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि मैं लगा रही हूँ क्रीम, मसाज क्रीम लगा रही हूँ। तो मसाज क्रीम भी मैं अच्छे से इसको लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी, तो आप देख सकते हो। और अब मैं लगा रही हूँ स्क्रब। मसाज मैंने 5 से 10 मिनट कर लिया था और 15 मिनट के लिए मैंने ये मास्क लगाया है लेग्स पर, और बस फिर इसके बाद धो डालूँगी। और देख सकते हो मैं अब धोने जा रही हूँ, तो अब मैं धुल दूँगी अपने लेग्स को और बहुत ही अच्छे से, अभी आपको देख भी सकते हो कि बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे मेरे पैर। और देख लीजिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही नरिश्ड हो गए हैं लेग्स और हैंड्स भी, जो कि थोड़ा सा आपको लग सकता है लाइटिंग की प्रॉब्लम। तो यही था मेरा पेडिक्योर। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है, रिव्यू देख लिया है, डेमो भी देख लिया है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें बताने के लिए, बट अगर आप इसको जब करोगे ना खुद आपको समझ में आ जाएगा ये कितना अच्छा लगता है करने के बाद, और आपके हैंड्स और लेग कैसे लगते हैं ये भी सब आपको समझ में आ जाएगा जब आप इसको बाय करोगे। और बाय कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर ये आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। थोड़ा ज़्यादा पसंद आया शेयर कर सकते हो फैमिली मेरे साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर देना, और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का और आप चेकआउट कर सकते हो। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।